बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान एग्रीकल्चर में आप दोस्तों को वेलकम। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के साथ साथ ही खादों की दुकानों पर रश लग गया, खादों के अंदर कमी आ गई। कौन कौन सी खादें, खादों के अंदर कितनी कितनी कमी आई है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सामने आप दुकान देख रहे हैं, इसके ऊपर भी कस्टमर खड़े हुए हैं और मेरी दूसरी साइड पर भी दुकान है, ये देख रहे हैं। ये दूध वाला भी खाद लेकर जा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि खादों के अंदर कमी आई है। तो कितनी कमी आई है ये दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर अभी भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दे ताकि एग्रीकल्चर से मुंसलिक तमाम वीडियो आपको मिलती रहे, जिसके अंदर एग्रीकल्चर से मुंसलिक खादों का रेट, अगला मंडियों का रेट और एग्रीकल्चर से मुंसलिक तमाम इंडस्ट्री लेवल जिसके अंदर रूटावेटर, हल वगैरह तमाम चीज़ें आती हैं वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। बात करते हैं हम डीएपी की। जो डीएपी का रेट था वो आज से कुछ दिन पहले 15,500 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, 15,500 रुपये से कम करके आज 14,915 रुपये तक जो डीएपी है वो फ़रोख्त हो रही है। बात की जाए नाइट्रोफास की, नाइट्रोफास का जो रेट था वो तकरीबन आज से कुछ दिन पहले 9,000 रुपये से भी ज़्यादा था, 9,100-9,200 रुपये तक फ़रोख्त हो रही थी नाइट्रोफास। तो आज इसका रेट पेट्रोल और डीजल का कम की कीमतों में कमी हुई के बाद आज जो नाइट्रोफास का रेट है वो तकरीबन आज 8,600-8,500 रुपये तक कर दिया गया है। बात की जाए सोना यूरिया की, सोना यूरिया के अंदर भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी कमी नहीं हुई जितनी किसान भाइयों को ज़रूरत थी, जितनी किसान भाइयों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ना कुछ सोना यूरिया के अंदर भी कमी आज देखने को मिल रही है। जो आज से कुछ दिन पहले जो सोना यूरिया की कीमत थी वो तकरीबन 5,400-5,500 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रही थी और बाज़ औक़ात जगहों पर 6,000 रुपये में भी फ़रोख्त हो रही पाकिस्तान के कुछ शहरों के अंदर। आप मेरी दूसरी वीडियो के अंदर नीचे कमेंट भी देख सकते हैं कि कौन कौन से शहर के अंदर यानी कि जो सोना यूरिया वो फ़रोख्त हो रही है। तो बात की जाए आज उसका रेट कम करके तकरीबन 4,900-5,000 रुपये तक जो इसका रेट है वो कर दिया गया है। तो ये थी दोस्तों मैंने आप दोस्तों के साथ पाकिस्तान पंजाब मियाँ चन्नू सिटी से और इसके इर्द गिर्द की तमाम दुकानों का जो खादों का रेट है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर किया। तो आपका इलाका कौन सा है और आपके इलाके के अंदर खादों का क्या रेट है हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।